लक्ष्मण यादव जी, चूंकि आप दिल्ली बिल्कुल सही बात विश्वविद्यालय में है। और एजुकेशन का पूरा सिस्टम, पूरे समाज के सिस्टम को आप यहाँ पर, दिल्ली एक आईना है, वहां से देख रहे हैं। और मैं आपसे सीधा एक बुनियादी सवाल पूछता हूँ, योगी आदित्यनाथ पर जिस टी सीरीज का आरोप लगता है ठाकुरवाद का, वो अपनी जगह है, वो एक अलग आरोप है, लेकिन जो आप दिल्ली में देख रहे हैं, मनीष सिसोदिया भी ठाकुर समाज से ही है, उन्होंने जिस प्रकार सरकारी स्कूलों में, चाहे किसी भी कम्युनिटी के गरीब हो, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, उसके लिए उन्होंने काम किया है, उनका काम जमीन पर दिख रहा है। अर्जुन सिंह और वीपी सिंह, और ज्यादा पीछे जाए तो आप देखें कि किस प्रकार से पिछड़े वर्गों के लिए उन्होंने एक रास्ता खोला। फिर ये कौन सा सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो गया है योगी जी के दिमाग में कि उल्टी सीधी 80-20 और तमाम तरह की चीजें, किसी को स्टूल पे बिठा देना, किसी को कुछ कह देना, ANI के कैमरा के सामने जिस प्रकार की चीजें हुई कि मुंह से वो आप सब बक रहे थे, ये हो क्या रहा है और ये कौन सी राजनीति इस देश में हो रही है? बहुत शुक्रिया अभिषेक जी। पहले तो माफी चाहेंगे, कुछ डिजिटल इंडिया के दौर में ना तो ये लैंडलाइन का इंटरनेट चल रहा है ना मोबाइल का, तो बहरहाल इस वजह से देर हुई। बहुत मुश्किल सवाल पूछा है आपने, लेकिन मीडिया के गलियारे में इन सवालों पर बातें कम होती हैं। आप जैसे लोग प्लेटफॉर्म मुहैया कराते हैं या इस पैनल में बैठे हुए लोग इस पर बातचीत करते हैं, लेकिन अंदर खाने ये बहुत सामान्य सी बहस है जो अमूमन हर गलियारों में चलती रहती है। तुलना आपने अपने सवाल में की है दिल्ली के उप मुख्यमंत्री से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की। मैं कह जी रहा हूं जाति की तुलना तो एक बेजा बात है, क्योंकि आपने ठीक कहा कि मंडल की बात होती है तो वीपी सिंह और अर्जुन सिंह दोनों एक अलग छवि से अपनी भूमिका निभाते हैं, अपनी एक अहम भूमिका जाति के परे जाकर उभारते हैं। लेकिन एक बात सच है अभिषेक जी कि उसी बीपी सिंह और अर्जुन सिंह को इस देश के अपर कास्ट ने और खासकर ठाकुरों ने उन्हें कभी अपना नेता नहीं माना, और जिस दिन उनका निधन हुआ उस दिन भी उन्हें गालियां पड़ी है। ये बात भी सच है, यानी इस देश का जो मूल चरित्र है वो अपने जाति के दायरे के भीतर किस तरह से काम करता है और उस जातीय हित के परे जाकर अगर आप कोशिश करते हैं तो दोनों तरफ के शिकार होते हैं। अपने लोग आपको अपना नहीं मानते और जिनके लिए आप मेहनत कर रहे होते हैं कई बार वो भी आपकी जात देख करके आपको तिरस्कृत करते हैं। तो एक बात तो ये रही बात मनीष सिसोदिया से तुलना की, योगी आदित्यनाथ की, अजय सिंह बिष्ट की। मैं एक बात कह रहा हूं कि तुलना ही बेजा है। जिस व्यक्ति का पूरा सांस्कृतिक चरित्र ही संदेहास्पद रहा हो, मठ के मठाधीश रहने के दौरान जिस पर आरोप लगा हो, गाड़ियों में असलहे भर करके पूर्वांचल के इलाकों में गुंडई के लिए जो जाना जाता हो, वो कई फकीर का चोला पहन करके आप एक अच्छी इमेज और योगी इमेज बना लेंगे, ये नहीं होता। वो कट्टर हिंदुवादी प्रतीक रहे हैं। उन्होंने पूर्वांचल के तमाम जिलों में जो बयान दिए हैं देश मुख्यमंत्री बनने के पहले, उन्हें उन बयानों के आधार पर याद करता था कि हाँ भाई कोई है जो कहता है कि कब्र से उठाकर बलात्कार करेंगे मुस्लिम महिलाओं का, जो कोई है जो फकीर के चोले में भी कट्टर हिंदुवादी हिंसक आतताई भाषण देता, यही उनकी छवि रही है। मठ के भीतर उन्होंने अपने गुरु के साथ क्या किया, गोरखपुर में रहना है तो योगी योगी कहना है से लेकर के तमाम तरह की छवियों, वो छवि कहीं से थी ही नहीं कि वो शिक्षा की क्रांति करते या वो सामाजिक न्याय की क्रांति करते, नंबर एक बात। अब नंबर दो बात ये कि उस छवि के एक शख्स से आप यह उम्मीद कर ही नहीं सकते कि वह अपने चोले के साथ जब न्याय नहीं करता है तो वह अपनी जाति के परे जा करके एक समावेशी नीति का नियंता बने, क्योंकि वो मुख्यमंत्री पद पर है, ये तो बेजा बात है। इसी का उदाहरण ये है कि पिछले 5 साल में जो भी काम उत्तर प्रदेश में हुआ, ये अलग बहस है कि संघ के लोग कितना इनके पीछे खड़े होते रहे, कैसे मनोज सिन्हा को पीछे करके अचानक इनका रातों रात नाम आगे किया गया, मुख्यमंत्री बनने के बाद क्या क्या हुआ, गुजरात से एक ब्यूरोक्रेसी के अधिकारी को रिटायर करके भेजा गया कि जाओ भाई गृह मंत्रालय संभालो, उससे नहीं मिले, दिल्ली दिल्ली से चल करके मुख्यमंत्री से मिलने के लिए बड़े बड़े नेताओं का जहाज लखनऊ लैंड करता था तो वो अलग चले जाते थे। यानी एक मुहरे से चल करके उस व्यक्ति ने अपनी एक छवि बनाई कि हम अपने दम पे होंगे, हम उत्तराखंड के सीएम नहीं है कि आप हमें बदल देंगे, उन्हें नहीं बदल सके लोग, तमाम अंदर खाने की दिक्कतों के चलते।
इसीलिए मजबूरी में प्रधानमंत्री को कंधे पर हाथ रख के फोटो खिंचवाना पड़ता है कि नहीं सब कुछ चंगा थी। एक तो ये पहलू है। अब दूसरी बात का दूसरा पहलू है अभिषेक जी, जो आपके सवाल का केंद्रीय विषय है कि क्यों ये नफरत की बात की जा रही है 80-20 की। मैं ये कह रहा हूं अभिषेक जी कि इस चुनाव में हो ही रहा है कि जो काम वो करते थे वही अपनी भाषा में बोल रहे हैं। उन्होंने, भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी मुसलमानों को टिकट अमूमन नहीं दिया। अशोक जी बैठे हुए हैं, रविकांत जी बैठे हुए हैं और आप तमाम लोग हैं, ममता जी हैं, वो लोग मुझे सही करें कि क्या बीजेपी ने मुख्तार अब्बास नकवी और शाहनवाज हुसैन जैसे अपवादों को छोड़ करके खुलेआम कभी मुस्लिम तबके को टिकट दिया है? बीजेपी के नेताओं ने तो सार्वजनिक मंचों से भाषण दिया है कि हमें आपका वोट नहीं चाहिए, हमें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। इसी का एक सीधा साधा सरल वाक्य है कि 80-20। हिंदू मुस्लिम के नाम पर उत्तर प्रदेश की पूरी राजनीति को, इस बार के चुनाव को वो जीतने की कोशिश कर रहे हैं। इस स्टूल पर जो उप मुख्यमंत्री बनाए गए वो कह रहे थे कि मैं अभी अयोध्या जाके मथुरा काशी बाकी है, दिल्ली बुला के बांटा वाटा गया है, तब उसके बाद लग रहा है दोबारा कोई ट्वीट ऐसा नहीं आया। लेकिन मथुरा को लेकर के इतनी उत्तेजना, काशी को लेकर इतनी उत्तेजना, ये वही 80-20 की राजनीति है अभिषेक जी। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य का बाहर जाना वो एक चुनावी शगुफा हो सकता है, सियासत का चाल हो सकती है, लेकिन इस उत्तर प्रदेश में इस समय जिसे 85% कहा जाता है, मैं उसे 90% कह रहा हूं। 90% वंचित, शोषित, गरीब, कमजोर, मजलूम, किसान, मजदूर जमात जो है ना, 10% जो ताकतवर लोग हैं उनके खिलाफ खड़े हैं। तो वो जो किसान, मजदूर, वंचित, शोषित, मजलूम, शोषित पीड़ित है ना, वो हिसाब मांग रहे हैं इस बार बीजेपी से कि आपने 5 साल में क्या किया। अगर उसी भाषा के आधार पर इनको जवाब दिया जाए तो उत्तर प्रदेश वो राज्य है ना जहां जब चुनाव होता है तो केंद्रीय कैबिनेट में बनाए गए मंत्रियों के भी बड़े बड़े पोस्टर लगाने पड़ते हैं कि 12 दलित और 27 OBC हमने कैबिनेट मंत्री बनाए, हमने कैबिनेट में विस्तार दिया है। बहुत मौजूद सवाल आपने उठाया है कि जिस प्रकार से जातीय रिप्रेजेंटेशन को हाईलाइट किया गया था कैबिनेट एक्सपेंशन में, वो बीजेपी की हताशा दर्शाता था। आज की कम से कम जिस प्रकार से गौरव भाटिया का ट्वीट डिलीट कराया गया है उससे भी स्पष्ट हो रहा है कि बीजेपी कितनी डरी हुई है। लक्ष्मण यादव जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि राजभवन जो फैक्टर हो सकता है पोस्ट पोल सिनेरियो में, यदि वाकई 85% की एकता और उसमें ब्राह्मण वोटों का कॉकटेल अगर नहीं जुटता है, तो ये यदि राजभवन के हाथ में चीजें जाने की नौबत आती है तो क्या इस चीज को उत्तर प्रदेश के वोटर्स की जीत मानी जाएगी या हार मानी जाएगी? नहीं, देखिए, जो भी अभी बातचीत हो रही थी, जितने भी अटकलें लगाई जा रही थी, इन सब के अपने सियासी पृष्ठभूमि है कि किन किन राज्यों में कैसे होता रहा है, बहुत अनुभवी लोग हैं। निश्चित तौर पर एक बात जो मैं भी समझ रहा हूँ वो महत्वपूर्ण है, इस पर मैं भी जोर देकर बात कहूंगा कि टिकट बंटवारा एक बहुत बड़ा खेल होगा। चुनाव के पहले तमाम लोग जो एक पार्टी छोड़कर के दूसरी जगह जाते हैं, सत्ता एक जगह रहती है फिर वहां से छोड़कर जाते हैं, तो यूं ही नहीं होता। तो अब होगा क्या कि बहुजन समाज पार्टी जो अपना एक 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 मुश्त एक वोट बैंक तो रखती है ना, वो इतनी कमजोर नहीं है। ये अलग बात है कि उनके ऊपर क्या दबाव है, क्यों वो खुल करके सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन टिकट बंटवारे में ये होगा कि अगर एंटी बीजेपी वोट एक जगह कंसाइज नहीं हुआ, डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो उसके दोनों पहलू हो सकते हैं। बाईपोलर अगर लड़ाई है सपा वर्सेस बसपा, तो कई जगह इसका फायदा सपा को मिल सकता है, यानी सत्ता से जो नाखुश लोग हैं वो सपा को जिताने के लिए काम कर सकते हैं, और ये एक संभावना जिसकी ज्यादा है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ और वोट बढ़े और बसपा मजबूती से लड़ी और उन्होंने कैंडिडेट ऐसा दिया जो सत्ता से नाराज वोटर को ही बांटे, तो फिर तो मुश्किल होगी। तो एक तो ये खतरा संभावित है। मैं अभी अशोक जी बात जो कह रहे थे, मैं उससे सहमत हूँ कि अखिलेश यादव जो अचानक अभी 2-3 महीनों के भीतर अपनी दावेदारी पुख्ता तरीके से रख चुके हैं, उन्हें दगे कारतूसों को कम से कम नहीं रखना चाहिए और बहुत निष्पक्ष ढंग से और बहुत तेज तरह ढंग से फ्रंट फुट पर खेलते हुए मुठभेड़ करते हुए टिकट बंटवारा करना चाहिए और चुनाव लड़ना चाहिए। आखिरी बात, पोस्ट पोल क्या होता है? मुझे लगता है कि चंद्रशेखर आजाद के साथ गठबंधन न हुआ करके
अखिलेश यादव के मन में शायद ये भी बात रही होगी कि एंटी बसपा हम सीधे ना दिखे, एक बात सामने आती, और क्या क्या संभावित खतरे हो सकते हैं, यानी चुनाव के बाद जो संभावनाएं बनेंगी, मुझे ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव उसे भी ध्यान में रखे हुए हैं, और बसपा को लेकर के मुझे भी लगता है कि बहुत कम आता नहीं जाए। कांग्रेस और सपा में पोस्ट पोल अलायंस संभावित है, लेकिन क्या सपा और बसपा में पोस्ट पोल अलायंस हो सकता है क्या?